प्रॉब्लम बना रहे थे ना हम लोग, यस सर। क्लाइंट प्लेन पे बना लिया था, यस सर। इंक्लाइंट प्लेन पे देखो, जैसे मान लो सपोज करो, ऐसे सपोज करो कि छोटा छोटा प्रॉब्लम देखते हैं पहले। ऐसे सपोज करो, मान लो एक पुली है और ये पुली है, यहाँ इस पे एक ब्लॉक है, ठीक। और एक रस्सी से यहाँ से कांटेक्ट में है, यहाँ एक ब्लॉक है से 2 kg का, 2 kg का ब्लॉक है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, और ये एक इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस है 0.2 और म्यू के है 0.18, ठीक है। ये ब्लॉक है जिसका मास है 5 kg, कितना मास है 5 kg, ठीक है, क्लियर है। लिखो लिखो, ड्रॉ सॉरी लिखो, फाइंड आउट फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन मास 5 kg, फाइंड आउट द फ्रिक्शन फोर्स ऑन मास 5 kg, ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, विल दिस ब्लॉक मूव, क्या यह ब्लॉक मूव करेगा, क्या यह ब्लॉक मूव करेगा, यदि हाँ तो एक्सेलेरेशन निकालो, If yes, then find out the acceleration of the block of 5 kg and 2 kg. ठीक है, जल्दी जल्दी करो। कितना फ्रिक्शन लगेगा इस पे? पता चल रहा है कुछ? बोलो बच्चे, बोलो, हो गया? चलो देखते हैं। बोल नहीं रहे सब, कहाँ चले गए? देखो इधर, पहले ना फ्री वर्ड डायग्राम बना लेते हैं। 2 kg का बनाया हमने, देखो 2 kg का ये हो गया 9 kg है बच्चे, 9 क्या न्यूटन फ्रिक्शन फ्रिक्शन, यस सर। काइनेटिक लगेगा क्या? यस सर। क्यों? तो क्योंकि बॉडी मोशन। कैसे पता? मेरा क्या आंसर है? ऊपर आ रहे? कैसे पता कि बॉडी मोशन में है? कुछ तो आइडिया होगा, कैसे पता कि बॉडी मोशन में है, बता सकते हो? चलो बताते हैं। देखो इधर, इसका फ्री वेट डायग्राम बनाया हमने इस वाले का, 2 kg का, तो यह जाएगा 20, इधर हो गया टेंशन, हो गया टेंशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखो, इधर आ जाओ, इसमें देखो, ये हो गया 50, इधर हो गया नॉर्मल रिएक्शन, इधर हो गया टेंशन। अब देखो, मान लेते हैं कि ये रेस्ट में है, मान लेते हैं कि ये बताओ, इसको चलाने वाला कौन, इस वाले ब्लॉक 5 kg को चलाने वाला कौन, टेंशन। अगर ये रस्सी नहीं रहती तो ये ब्लॉक चलता क्या? नहीं चलता। इसको चलाने वाला कौन, जो कि इस पे फोर्स लगा रहा है, कौन फोर्स लगा रहा है इस पे? जो है रस्सी लगा रही है। रस्सी कैसे लगा रही है भाई? रस्सी चूंकि
इस ब्लॉक 2 kg से कनेक्टेड है और ब्लॉक 2 kg नीचे की तरफ गिर रहा है, तो ये अपने सेल्फ वेट के कारण या अपने वेट के कारण ये नीचे की तरफ आएगा, ये नीचे की तरफ आएगा तो ये रस्सी टाइट होगी, ये रस्सी टाइट होगी तो ये जो रस्सी है इस ब्लॉक को क्या करेगी, आगे की तरफ खींचेगी। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। क्लियर है? अच्छा, तो इसको खींचने वाला कौन? रस्सी। रस्सी इसे आगे की तरफ खींचेगी। चलो भाई ठीक है, तो मान लेते हैं कि रेस्ट में, मान लेते हैं कि रेस्ट में है, तो अगर रेस्ट में है तो बताओ टेंशन कितना हो सकता है इस रस्सी पे? 20। इसका मतलब है कि आप ये जानते हो कि यहाँ जो टेंशन होगा वो टेंशन किसके बराबर होगा, मैक्सिमम टेंशन मतलब इसमें जो टेंशन होगा वो कितना होगा, 20 न्यूटन? कितना होगा? 20 न्यूटन। क्लियर है? अच्छा, जब इस पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, अब आप देखो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा भाई, इस ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा? 50। यस सर। अब 50 अगर नॉर्मल रिएक्शन है तो देखो मैक्सिमम फ्रिक्शन यहाँ कितना हो सकता है, पहले मैक्सिमम निकालोगे तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो जाएगा भाई, 50 × 0.2, तो ये हो जाएगा 50 × 0.2 मतलब कितना, 10 न्यूटन। यस सर। तो मैक्सिमम हमारा 10 न्यूटन है और यहाँ टेंशन 20 का लग रहा है। यस सर। इसका मतलब बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में है? मोशन में है। और अगर मोशन में है तो कौन फ्रिक्शन जो है कॉन्टेक्ट में आएगा? काइनेटिक। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, चूंकि ये बॉडी मोशन में होगी तो जो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो स्टैटिक होगा कि काइनेटिक होगा? काइनेटिक। काइनेटिक होगा। तो काइनेटिक होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आया? काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा भाई Fk = μk × n। हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन। μk है 0.18, n कितना है 50, तो देखो 18 × 5 = 90, 9 न्यूटन आ गया। यस सर। तो पहला ऑप्शन क्या, 9 न्यूटन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, दूसरा आ जाओ। अब आप चूंकि ये बॉडी मोशन में है तो एक्सेलेरेशन होगा कि नहीं होगा? होगा। इधर की तरफ एक्सेलेरेशन होगा, दोनों सेम एक्सेलेरेशन से चलेंगे कि डिफरेंट से चलेंगे? दोनों सेम एक्सेलेरेशन से, डिफरेंट एक्सेलेरेशन से, सेम से, क्योंकि इसका भी एक जगह पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है इस पुली से भी और इस ब्लॉक से, मतलब यहां से लेके यहां तक एक ही जगह पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दोनों का है। ये किसी पुली से कॉन्टेक्ट में नहीं है, ये जो है ना किसी मूवेबल पुली से कॉन्टेक्ट में नहीं है, तो मूवेबल पुली से कॉन्टेक्ट में नहीं है, इसका मतलब जितना एक्सेलेरेशन इस ब्लॉक का होगा उतना ही इसका भी होगा। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर एक्सेलेरेशन सेम नहीं होगा इस केस में तो स्ट्रिंग क्या होगी भाई, वहां रिलेटिव मोशन होगा और स्ट्रिंग टूट जाएगी, जो कि होना नहीं चाहिए। इसलिए दोनों का एक्सेलेरेशन क्या होगा, सेम होगा। अब दोनों का एक्सेलेरेशन सेम होगा तो इसका एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड मान रहे हो, मान लो ए, तो इसका एक्सेलेरेशन किधर की तरफ होगा, इस तरफ, कितना, ए। नहीं आया समझ में? क्लियर है? तो अब देखो यहाँ, देखो अब एक्सेलेरेशन इस पे नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन लगा दो, इस पे नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन लगा दो, काम खत्म। अब देखो इस पे नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन लगाओगे तो यहाँ देखो नेट फोर्स के लिए, मतलब ये वाला ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है किस एक्सेलेरेशन से, एक्सेलेरेशन से आ रहा है नीचे की तरफ। क्लियर है ना? यस सर। और ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक बता, ये वाला, इस वाले ब्लॉक पे ये तो आगे की तरफ मूव कर रहा है, अच्छा इस पे फ्रिक्शन कितना लगेगा पीछे की तरफ, कितना, Fk, यही तो। यस। चलो भाई, तो देखो इस ब्लॉक का फ्री वेट डायग्राम आपने बना लिया, अब इस पे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन, इस पे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन दिखाओ, तो इस पे नेट फोर्स किधर की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? नीचे। तो क्या इक्वेशन लिखोगे यहाँ, 20 − t = mass, इसका कितना है 2 × a, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। यस सर। इक्वेशन फर्स्ट। ओके, आप देखो इस वाले ब्लॉक का, देखो इस वाले ब्लॉक का कौन ज्यादा यहाँ पे, टी या एफ? टी। तो यहाँ लिखोगे आप t − fk = इसका मास इनटू एक्सेलेरेशन, इसका मास कितना है 5 × a, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। यस सर। क्लियर है? यस सर। अब ये देख इस टी को मार दिया, आ गया मार दिया ना, आ गया। यस सर। ठीक है, तो क्या बचा, देखो 20
माइनस एफ के कितना है भाई बताओ? नाइन। 20 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना हो गया ये टोटल? 7a। तो a कितना है बताओ? 11/7। 11/7 a आ गया 11/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मुझे लगता है ये आप लोगों का आया होगा कि नहीं आया? सर आया। 11/7। अच्छा टेंशन बता दो, टेंशन हो गया? बोलो अभी तो एक ब्लॉक का प्रॉब्लम चल रहा है, अभी दो ब्लॉक का प्रॉब्लम चलेगा एक के ऊपर एक रख के। तो अभी हम सिर्फ सिंगल ब्लॉक की बात कर रहे हैं, अभी सिंगल ब्लॉक सरफेस पे हम मूव कर रहे हैं, दो ब्लॉक की बात हम करेंगे ठीक है कुछ देर में। ठीक है कुछ देर में हम दो ब्लॉक की बात करेंगे। चले आगे, टेंशन निकाल लिया? अरे निकल गया नहीं निकला? टेंशन कितना आ जाएगा? अरे किसी इक्वेशन में एक ही वैल्यू रख लो, टेंशन मिल जाएगा आपको। देखो किसी इक्वेशन में एक ही वैल्यू रख लो, किसमें रख लो? 20 - t = 2a। देखो इसी में रख लेते हैं, 20 - t = 2 into a। a कितना आया था? 11/7 यही तो आया था। Yes, sir. T कितना हो गया बच्चे? 20 - 11 = 22/7। 7 × 14 140, 140 में से 22 का 118, 118/7 न्यूटन। Yes, sir. कैलकुलेशन आता है ना? Yes, sir. करो कैलकुलेशन फटाफट, मैंने दिया था कैलकुलेशन करने के लिए ठीक है। Yes, sir. आगे चलो, अब देखो एक क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक है, एक सिंगल ब्लॉक है, नहीं चलो रस्सी वाला ही कर लेते, छोड़ो दो रस्सी है मान लो ऐसे, ये हो गया ये हो गया ऐसे, ये पुली हो गई, ये दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक ये, एक ब्लॉक ये, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक अलग पुली से कनेक्टेड है, ऐसे रस्सी चली गई नीचे, यहाँ एक ब्लॉक ठीक है, ये बनना चाहिए आप लोगों से। इसके बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2, इसके बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2, दोनों ब्लॉक हैं, दोनों ब्लॉक के बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है। इस ब्लॉक का मास है, इसका मास है मान लो ए है ये, और इसका मास है 3 kg, और ये बी है, इसका मास मान लो है 5 kg ठीक है। और इधर एक ब्लॉक है जिसका मास है 2 kg ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, कितनी स्ट्रिंग है यहाँ? दो। दो तो सब में टेंशन सेम होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग, अलग अलग होगा। तो ठीक है बच्चा, ये वाला स्ट्रिंग में टेंशन अलग, ये वाले में अलग, ठीक है बताओ लिखो, डिटरमाइन डिटरमाइन एक्सेलेशन ऑफ द ब्लॉक, एक्सेलेशन ऑफ द सिस्टम, सॉरी एक्सेलेशन ऑफ ईच ब्लॉक। Acceleration of each block. पहले तो ये बताओ सारे ब्लॉक एक साथ जाएंगे अलग अलग जाएंगे? सारे ब्लॉक एक साथ जाएंगे अलग अलग जाएंगे? जाएंगे कि नहीं जाएंगे पहले ये देखो, बोलो भाई चले? यस सर। ये आप बना रहे हो?
फिर बना रहे हैं। तो जल्दी बनाओ फिर, फटाफट 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 बना दो। हो गया भाई, जल्दी जल्दी फ्री वर्ड डायग्राम बना लो यार। अच्छा ये बताओ मूव करेगा कि नहीं करेगा, मैक्सिमम कितना इस पे फ्रिक्शन लग रहा है इस पे बताओ, इस वाले पे 5 केजी पे 10 न्यूटन, 10 और इस पे 6 न्यूटन, 6 न्यूटन टोटल मिलके 16 न्यूटन, 16। यहां मैक्सिमम कितना फोर्स लग रहा है जो कि खींच रहा है इस पूरे सिस्टम को, 20। अरे 2 केजी मास है ना, तो इसका वेट कितना होगा, 20 होगा, 20। इसका मतलब है कि सिस्टम मूव कर रहा है कि कांस्टेंट मूव कर रहा है कि रेस्ट में मूव कर रहा है। नहीं आया समझ में? हाँ सर। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप इसे एक्सेलरेट कर लो, आप मान लो कि एक्सेलरेट कर रहा है, नहीं होगा एक्सेलरेशन तो 0 आ जाएगा। यस मेरी बात समझ में ही नहीं आई? आई सर। क्लियर है? यस सर। चलो देखो कितना है एक्सेलरेशन, आप लोग रिस्पांस धीरे धीरे कर रहे हो पता नहीं क्यों। देखो इधर, ये देखो कितना वेट हो गया यहाँ, 20। ये हो गया 20, इधर टेंशन मान लो स्प्रिंग वन में T1, तो यहाँ कितना होगा इस ब्लॉक पे T1 होगा कि नहीं बोलो? यस सर। अच्छा इस पे कितना होगा, इसमें इस वाले ब्लॉक पे ये वाला रस्सी किधर की तरफ खींचेगा, इधर की तरफ? Yes, sir. और ये वाला ब्लॉक पर ये वाली रस्सी किधर खींचेगी, आगे की तरफ? Yes, sir. ठीक, इसका नॉर्मल रिएक्शन, इसका नॉर्मल रिएक्शन, इसका सेल्फ वेट कितना, 50। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर मान लो NP, और इसका सेल्फ वेट 30। नॉर्मल रिएक्शन किधर, ऊपर NA, क्योंकि ब्लॉक A है इसलिए हमने इसका नाम क्या दे दिया, NA। ठीक है भाई। अच्छा ये बताओ इस पे फ्रिक्शन किधर की तरफ लगेगा, इस वाले पे फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा, इस वाले पे होगा, इधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ? यस सर। इसे मान लो FB, और यहाँ फ्रिक्शन जो होगा उसे मान लो FA। नहीं आया समझ में? आया सर। क्लियर है? क्या फ्री बॉडी डायग्राम आप लोगों ने सही बनाया था? यस सर। तब हो जाना चाहिए। अब आप सिस्टम को किधर आप चला रहे हो, क्योंकि नेट फोर्स इधर रहे, इस सिस्टम पे, ये सिस्टम किधर जाएगा, क्या इधर मूव कर सकता है सिस्टम? नहीं कर सकता। अगर मान लो करा भी लेते हो आपकी इच्छा, आपने ना एकदम मतलब मूड खराब है आपका, घर से एकदम नाराज होके आए हो, नहीं यार एकदम से, तो आप मान लो कि हम इधर ही मानते हैं, तो क्या आ जाएगी वैल्यू? नेगेटिव। नेगेटिव होता है ना कभी यार, तू ही कहोगे तभी सही, हम अपना कह रहे हैं तो ठीक है, कर लो भैया अपने मन का, इधर कर लो तो वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव। क्लियर है? अब देखो सिस्टम को मान लिया हमने किधर की तरफ, नीचे की तरफ, तो ये एक्सेलरेशन इसका कितना हो गया, ए। अच्छा सिस्टम में हर पार्टिकल का या हर बॉडी का एक्सेलरेशन सेम होगा डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा, सेम होगा, डिफरेंट होगा। कहाँ डिफरेंट कर दिया तुमने, डिफरेंट कर दोगे तो रस्सी टूट जाएगी भाई। यस सर। तो इसका एक्सेलरेशन ए किधर की तरफ, नीचे की तरफ, इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ, इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ, तो नेट फोर्स आगे की तरफ, क्यों, क्योंकि ये किधर भागे जाएगा, आगे की तरफ ही जाएगा, और ये वाला भी आगे की तरफ जाएगा। यस सर। है ना, तो जिधर मोशन उधर ही एक्सेलरेशन ना, क्योंकि नेट फोर्स उधर ही लग रहा है इसलिए एक्सेलरेशन उधर ही होगा। नेट फोर्स के अगेंस्ट कभी एक्सेलरेशन नहीं होता बच्चा, भले ही वेलोसिटी बॉडी की उधर की तरफ क्यों ना हो, लेकिन जिधर नेट फोर्स होगा उधर ही एक्सेलरेशन होगा, होगा। इसीलिए रिटार्ड करते समय आप जब गाड़ी चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, तो आपकी बाइक भले ही आगे की तरफ जा रही हो, लेकिन अगर आपने रोकना है तो क्या आप तब भी एक्सीलेटर देते रहते हो? मान लो आगे जाके आपको रोकना है तो क्या तब भी एक्सीलेटर देते रहते हो आप, कि नहीं देते हो? नहीं देता सर। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन उसका कम करना पड़ता, अपोजिट डायरेक्शन में है कि सेम डायरेक्शन में? अपोजिट, इसीलिए तो रुकेगी ना। यस सर। भाई वेलोसिटी आगे, एक्सेलरेशन जब तक बैक नहीं होगा, पीछे नहीं होगा, या उसके अपोजिट नहीं होगा, तब तक मतलब रिटार्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
होना चाहिए सर, होना चाहिए तभी तो रुकेगा बच्चे। इसका मतलब एक्सेलेरेशन उसका क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। एक्सेलेरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होने का क्या मतलब है कि बॉडी आगे तो जा रही है, स्कूटर आपकी आगे तो जा रही है, लेकिन एक्सेलेरेशन पीछे होने का मतलब है आपने अपना इंजन बंद कर दिया है, या आपने, हाँ आपने अपना इंजन बंद कर दिया है और उस स्कूटी पे जो फ्रिक्शन लग रहा है टायर पे, वो फ्रिक्शन अब उस स्कूटी को रोकने की कोशिश करेगा, और अगर आप ब्रेक लगा रहे हो तो ब्रेक भी उस फ्रिक्शन का क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, तो दोनों उसको रोकेंगे। तो भैया नेट फोर्स किधर हो गया बताओ, वेलोसिटी की डायरेक्शन में या वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में? अपोजिट। अपोजिट में नहीं आया समझ में? आया सर। आया ना पक्का? इस बात को दिमाग में रखना। तो आप किधर भी मान लो, आप, मैं इधर मान रहा हूं, आप इधर मान लो, निगेटिव आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे, तो इसके लिए, अब इस सिस्टम के लिए भैया न्यूटन सेकेंड लॉ लिख दो, इस सिस्टम के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ लिख दो, इस सिस्टम के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ लिख दो। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? Yes, sir. इसके लिए न्यूटन सेकेंड लॉ लिखो, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। भैया एक्सेलेरेशन आपने किधर दिखाया, नीचे की तरफ, इसका मतलब यहाँ कितने फोर्स लग रहे हैं, पहले तो ये देखो, दो फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन सा, एक तो 20 न्यूटन लग रहा है, एक T1 लग रहा है। Yes, sir. कौन बड़ा होगा कि एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ है? 20। तो 20 में से किसको माइनस करोगे? T1। तो पहला इक्वेशन लिख लो, 20 - T1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। पहला इक्वेशन लिख लो, 20 - T1 इज इक्वल टू 2 × A, चलेगा क्या? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है, ये पहला इक्वेशन हो गया। सेकेंड सेकेंड बोलो, सेकेंड इक्वेशन क्या होगा भाई? सेकेंड इक्वेशन किसके लिखो, किसके लिए लिखोगे, जो बी बॉक्स है? यस सर। तो बी बॉक्स पे देखो, बी बॉक्स पे कितने फोर्स लग रहे हैं, पहले तो ये देखो, कितने फोर्स लग रहे हैं बी पे? अरे बोलो भाई, कौन कौन लग रहा है बी पे? देखो, T1 लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स है, टेंशन है दोनों तरफ, T1 और T2। यस सर। तो कौन भाई, देखो ये बी ब्लॉक किधर की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ? यस सर। कौन बड़ा? T1। तो यहाँ लिखोगे T1 माइनस T2 माइनस फ्रिक्शन, T2 माइनस FB बताओ, FB कितना होगा भाई? फ्रिक्शन ऑन बॉक्स बी हो जाएगा μb × NB, होगा कि नहीं बोलो? यस सर। μb कितना, मतलब फ्रिक्शन, ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, उस कॉन्टैक्ट सरफेस का फ्रिक्शन कितना है? 0.2। यस सर। तो हो जाएगा 0.2 × NB, NB की वैल्यू कितनी है भाई बताओ? नॉर्मल रिएक्शन 50, तो ये जाएगा 5 × 10 = 10 N, 10 N. तो यहाँ हो जाएगा T1 - T2 - FB इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन, इसका मास है 5, एक्सेलेरेशन है A, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। थर्ड इक्वेशन लिखना जरूरी है कि नहीं? यस yes, जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ दो अननोन, तीन अननोन पहले से आ चुके हैं, T1, A और T2, तीन अननोन आ गए हैं। इसका मतलब है कि अगर आपको तीसरा इक्वेशन नहीं पता है तो तीन अननोन आप सॉल्व नहीं कर सकते, कि कर सकते हो? नो सर। तो तीसरा इक्वेशन लिखो बच्चे, तीसरा इक्वेशन क्या इस वाले बॉक्स के लिए लिखोगे? यस सर। क्या लिखोगे बोलो? T2 - FA = 3A, ये हो गया इक्वेशन थर्ड। क्या FA की वैल्यू आपको पता है? हाँ, देखो सर हमको पता है, क्या होगा भाई? FA = μA × NA होगा कि नहीं बोलो? यस सर। μA की वैल्यू कितनी है बताओ?
म्यू है आपका, म्यू है 0.2, एन ए आपका देखो अगर निकालोगे तो एन ए आ जाएगा 30 आएगा कि नहीं बोलो। यस सर। तो ये हो जाएगा 3 × 6 6 न्यूटन, 6 न्यूटन। तो एफ ए हो गया 6 न्यूटन, एफ बी हो गया आपका 10 न्यूटन, ठीक है। अब देखो अगर आप ध्यान से देखो तो इन तीनों इक्वेशन को हम ऐड कर दें एक साथ, क्या तीनों को हम ऐड कर दें? हाँ भैया कर दो। तो हमने कर दिया बच्चे, देख हमने तीनों को ऐड किया तो ये T1 इस T1 को खा गया, खाया कि नहीं बताओ? यस सर। और ये T2 इस T2 को खा जाएगा। और टेंशन, हमें उसी दिन कहा था आपसे कि टेंशन मुक्त होना चाहिए सिस्टम की, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए, नहीं तो आपके ऊपर टेंशन आ जाएगा। यस सर। और अपने ऊपर टेंशन हटाने के लिए पता नहीं आप क्या करोगे, तो इससे बढ़िया है कि दूसरे के ऊपर ही रख दो उसको, अपने ऊपर मत लो। तो यही खत्म कर दिया हमने, तो टेंशन हो गया खत्म। तो देखो कितना बचा, 20 − FB − FA = कितना, 5 3 2 8 और 8 2 10। तो ये जाएगा 20 − FA − FB = 10, क्या यही आ रहा है? यस सर। 20 − FA − FB = 10 A। एफ ए की वैल्यू आपको पता है कितनी, 6, और एफ बी पता है आपको 10। तो 20 − 6 − 10 = 10 A। तो क्या A की वैल्यू 4/10 आ गई कि नहीं बोलो, मीटर पर सेकंड इस पे? यस सर। 4/10 मतलब 0.4 मीटर पर सेकंड, ये हो गया। कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर है? यस सर। अब आगे चलें? यस सर। यस सर। अब आप ध्यान से समझो, मेरी बात समझना एक बार, क्या टेंशन वर्क करता है? अब इन सब सिस्टम को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जहां फ्रिक्शन आता है ना वहां आपका थोड़ा दिमाग चलना चाहिए, थोड़ा सा चलना चाहिए। तो पहले आप दिमाग कैसे चलाओगे ध्यान से समझना। अगर इसको आप लिखना चाहो तो अपनी कॉपी पे लिख लो, जो है ना, नोट करके कि भैया ऐसा हमको सोचना हमेशा पड़ेगा। कैसे सोचना पड़ेगा ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ ये जो तीनों सिस्टम, तीनों बॉक्स है इस सिस्टम में, ये तीनों बॉक्स रस्सी से कनेक्टेड है एक दूसरे से, है कि नहीं बताओ? यस सर। रस्सी कभी वर्क नहीं करता। इसका मतलब है कि जो इसमें टेंशन लग रहा है, टेंशन का रोल सिर्फ और सिर्फ बॉक्स को खींचने का है, बाकी और नहीं है। मेरी बात समझ में आई? यस सर। अच्छा भाई, तो देखते हैं कि क्या ये सिस्टम मूव करेगा कि नहीं करेगा, सिस्टम मूव करेगा या नहीं करेगा। ये देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये बताओ कि यहाँ जो फोर्स लग रहे हैं, या तो फ्रिक्शन फोर्स, या तो जो एक्सटर्नल फोर्स, या जो सेल्फ वेट के कारण फोर्स लग रहा है, क्या वो फोर्सेस जो सेल्फ वेट के कारण फोर्स है, वो फोर्स क्या फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है या कम है? अगर सेल्फ वेट फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है तो बॉडी मूव करेगी, और अगर सेल्फ वेट फ्रिक्शन फोर्स से कम है तो बॉडी मूव नहीं करेगी। मेरी बात समझ में आई? यस सर। या नहीं आई? आई सर। अगर सेल्फ वेट फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा तो बॉडी मूव करेगी, और अगर सेल्फ वेट फ्रिक्शन फोर्स से कम तो बॉडी मूव नहीं करेगी। मेरी बात दिमाग में बिठा लो। अब आप सब बच्चे बताओ कि यहाँ जो है कौन खींच रहा था, क्या ये, अगर ये 2 kg का ब्लॉक नहीं होता तो क्या ये दोनों ब्लॉक अपने आप नीचे की तरफ आते? नो सर। नहीं आते। इसका मतलब है कि यहाँ खींचने वाला रोल कौन प्ले कर रहा है, 2 kg का ब्लॉक। अब 2 kg का ब्लॉक बच्चे देख, इसको 2 kg के ब्लॉक का अगर सेल्फ वेट देखा जाए तो 20 N हो गया, और वो नीचे की तरफ। अब इस ब्लॉक और इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन देख लो, इस पे फ्रिक्शन लगा FB और इस पे फ्रिक्शन लगा FA, दोनों को हमने जोड़ लिया, दोनों एक ही डायरेक्शन में लगेंगे, ये बात फिक्स है? यस। दोनों एक ही डायरेक्शन में लगेंगे, दोनों को हमने जोड़ लिया, दोनों का जोड़ 16 आ रहा है, और सेल्फ वेट कितना है, 20 है। इसका मतलब सेल्फ वेट उन फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। इसका मतलब बॉडी क्या करेगी? यही अगर मेरे बच्चे, यही अगर ये
20 न्यूटन ना होता तो क्या होता, क्या ये ब्लॉक मूव करता? नो सर। अगर 20 न्यूटन से कम होता, मान लो 16 होता, 14 होता, तो क्या ये ब्लॉक मूव करता? नो सर। नहीं कर, नहीं कर, ठीक है ना? यस सर। क्लियर है? तो नहीं कर। यस सर। ओके। अब आप देखो, अगला क्वेश्चन लेते हैं और उसको आप लोग बनाओ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, इसको आप बना लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, टेंशन वेंशन निकाल लोगे ना? एक्सेलेरेशन निकल गया 0.4, तो टेंशन निकल जाएगा। इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा, निकाल लोगे कि नहीं बताओ? यस सर। इक्वेशन में पुट करके फटाफट निकाल लो। ठीक है, आगे आओ। देखो, हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा, एक सिस्टम छोटा सा देता हूं मैं, आप ना मुझे करके दिखा दो ताकि तसल्ली हो जाए मेरे दिल को। ठीक है, अभी पुली फ्रिक्शन है, पुली में फ्रिक्शन है या फ्रिक्शन लेस है? फ्रिक्शन लेस, फ्रिक्शन लेस है। पुली फ्रिक्शन लेस है। पुली क्या है? फ्रिक्शन लेस। और रस्सी मास लेस है। रस्सी मास लेस, मास लेस है। ये कहानी अभी चल रही है, ये कहानी अभी चल रही है, अभी हमने रोका नहीं है इसको। ठीक है, अच्छा ये देखो, ये हो गया भैया, इधर हो गया। अच्छा भाई, यहाँ हमने दे दिया एक बॉडी है जिसका मास है 1 kg। ठीक है भाई, और ये बॉडी है जिसका मास हमने दे दिया है मान लो 8 kg। कितना? 8 kg। अच्छा, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमने दे दिया है 0.2 न्यूटन का, सॉरी 0.2 का। कितने का? 0.2 का। तो बताइए एक्सेलेरेशन क्या होगा सिस्टम का? लिखो, डिटरमाइन द एक्सेलेरेशन ऑफ द सिस्टम। एक्सेलेरेशन ऑफ द सिस्टम, एक्सेलेरेशन ऑफ द सिस्टम। सर जीरो। कितना आ रहा है? सर ये सर जीरो आ रहा है। जीरो सर। क्यों जीरो? सर क्योंकि वो मूव नहीं करेगा, बॉडी मूव नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ देखो इस ब्लॉक का जो सेल्फ वेट है वो कितना है? 10। ठीक है, और इस पे फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लगेगा? 16। ये हो गया 8, ये हो गया 8, ठीक है, ये 80 न्यूटन, और इस पे फ्रिक्शन लग जाएगा F। ठीक है, अब देखो यहां मैक्सिमम फ्रिक्शन जो होगा वो कितना होगा? 16। मैक्सिमम फ्रिक्शन हो जाएगा 18 × 0.2, मतलब 16 न्यूटन। और आपने अप्लाइड फोर्स कितना है या सेल्फ वेट कितना है इसका? 10 न्यूटन। सेल्फ वेट इसका 10 न्यूटन। तो यहां यहां जो ब्लॉक होगा, इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन कितना लगेगा जिससे कि ये सिस्टम रुक जाए? 10 न्यूटन का। तो फ्रिक्शन हो जाएगा 10 न्यूटन का। आप करके देखना इसको, एक्सेलेरेशन इसका क्या होगा? जीरो। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इज सेल्फ वेट से ज्यादा हो गया, इसलिए ये बॉडी मूव नहीं करेगी, नहीं करेगी। जब मूव नहीं करेगी तो कितने की जरूरत है कि इसको रोक ले? 10 की। नहीं तो अगर आप निकालोगे तो एक्सेलेरेशन निगेटिव आएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक्सेलेरेशन निगेटिव का क्या मतलब हो जाएगा? कि मतलब कोई बॉडी नीचे की तरफ, हम जो है नीचे की तरफ लटका के रखे हैं और वो अपने आप पीछे की तरफ खींचते हुए चली जा रही है। ऐसा पॉसिबल है क्या? नो सर, ऐसा पॉसिबल। तो यहाँ अगर कोई आपसे फ्रिक्शन पूछे कि मैक्सिमम तो ये हो गया, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? तो जितने की जरूरत है जिससे कि ये रुक जाए। अब देखो यहाँ अगर आप देखोगे ध्यान से, तो इस पे 10 न्यूटन का नीचे की तरफ टेंशन इधर हो गया टी, यहाँ टेंशन टी। ठीक है, अच्छा देखो, तो ये हो जाएगा 10 − t = mass × acceleration। मास है 1 kg, एक्सेलेरेशन मान लो a, मान लेते हैं। यस सर। अच्छा ये देखो, इसका एक्सेलेरेशन मान लो इधर, तो ये हो जाएगा t − f = mass × acceleration, 8a जोड़ दिया, t − f = 9a। F की वैल्यू कितनी है भाई? 16। तो 10 − 16 = 9a।
मतलब ए इज इक्वल टू क्या आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो ए इज इक्वल टू आ रहा है आपका 6/9, वो भी किसमें, निगेटिव में। कहने का क्या मतलब है, क्या मतलब इसका, क्या ये एफ आपने अप्लाई करा है? नहीं, ये सरफेस ने अप्लाई करा है। क्या ये एक्सटर्नल फोर्स है? नहीं, ये इंटरनल फोर्स है। ये दो कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये दो सरफेस के बीच में है, ये हमने अप्लाई नहीं करा। हाँ, ये अप्लाई तब हुआ जब बॉडी मोशन में होने वाली थी। ये लगा कि नहीं भाई, बॉडी मोशन में नहीं हो सकती, बॉडी को हम रोक के रखेंगे, तो रोकने के लिए वो फोर्स लगाया, और वो फोर्स लगाया और देखो यहाँ उस फोर्स का नतीजा क्या निकला, कि वो एक्सेलेरेशन निगेटिव में आने लगा। इसका मतलब ये सर्फ, ये बॉक्स हम इधर चलाना चाह रहे थे, ये अपने आप इधर चलने लगा। क्या ये पॉसिबल है? नो सर। नहीं, इसका मतलब है यहाँ एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों जीरो होगा? क्योंकि ये बॉडी मूव नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स जो मैक्सिमम है, वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इस सेल्फ वेट से ज्यादा है, इसलिए बॉडी मूव नहीं करेगी। क्लियर है? ठीक है, अच्छा। तो अब देखो, अगर आप यहाँ एक्सेलेरेशन जीरो कर देते हो, देखो यहाँ एक्सेलेरेशन हमने कर दिया जीरो, अगर आप एक्सेलेरेशन जीरो करोगे तो देखो ध्यान से ये क्या निकल के आएगा, ये देखो 10 हो गया, ये क्या निकल के आएगा भाई, एक्सेलेरेशन आपने जीरो कर दिया, तो ये जाएगा 10 माइनस एफ इज इक्वल टू जीरो। एफ की वैल्यू कितनी आई, 10। ये फ्रिक्शन फोर्स 10 लगेगा वहां पे, न कि 16। क्लियर है? यस सर। ठीक है, आगे अब ऐसे प्रॉब्लम बना लोगे? यस सर। इंक्लाइंड पे आ जाओ थोड़ा सा, किस पे आ जाओ, इंक्लाइंड, इंक्लाइंड छोटा छोटा प्रॉब्लम इंक्लाइंड पे देता हूं मैं। रस्सी से हमने 2 kg का ब्लॉक, कितने केजी का, 2 kg, और इसका मास है, मान लो फाइव केजी, ठीक है। इस पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू इज इक्वल टू 0.2, कितना 0.2, ठीक है। यस सर। और ये एंगल है आपका 37 डिग्री, कितने डिग्री, 37। तो आपको बताना है फ्रिक्शन कितना लगेगा, लिखो किस बॉक्स पे फ्रिक्शन लगेगा, इसको मान लो ए और इसको मान लो बी, तो किस पे फ्रिक्शन लगेगा, ए पे कि बी पे, ए ए पे। क्यों ए पे, क्योंकि ए ही सरफेस से कांटेक्ट में है, बी सरफेस से कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है। तो ए पे फ्रिक्शन लगेगा, अब आपने बताना है कि इस पे फ्रिक्शन कितना लगेगा ए पे, क्या ये ब्लॉक मूव करेगा, अगर करेगा तो एक्सेलेरेशन बताओ। सर बॉडी मूव नहीं करेगी, नहीं कर रही है। नो सर। जाएगा 20, इधर टेंशन, इधर टेंशन, ठीक है। देखो फटाफट मैं बना रहा हूँ आपको, मुझे लगता है अब ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका mg, इधर की तरफ होगा कि नहीं बताओ, यस mg मतलब ये जाएगा 5g मतलब 50 है, ठीक है। यस, ये आप लोग मुझे लगता है सीख लिए हो कि नहीं सीखे हो, सीख लिए हो। 50 इधर हो जाएगा इसका नॉर्मल ए का, ठीक है भाई। इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट इसका हो जाएगा इधर की तरफ, ये वाला हो जाएगा, सॉरी
एक कंपोनेंट इधर की तरफ हो जाएगा, इसको हटा देता हूं मैं, इसको हटा देता हूं मैं, एक कंपोनेंट देखो इसकी तरफ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये एंगल कितना होगा? 37 होगा कि नहीं बताओ? होगा 37। इस mg का मतलब 50 का एक कंपोनेंट इधर, इधर हो जाएगा 50 cos 37 और इधर हो जाएगा 50 sin 37। होगा कि नहीं होगा बताओ? यस सर, 50 sin 37। ठीक है, अच्छा 50 sin 37 की वैल्यू अगर देखी जाए तो कितना होगा भाई? 30 50 × 3/5 मतलब 30 newton। कितना newton? 30। होगा कि नहीं होगा? यस सर, ये हो जाएगा 30 newton। ओके भैया, अच्छा 30 newton इसको लग रहा है, यहाँ कितना है? 20 newton है। अच्छा ये बताओ, इस ब्लॉक को भी नीचे की तरफ खींचने वाला कोई फोर्स है क्या? हाँ, कौन है? इसका भी अपना सेल्फ वेट है। इंक्लाइंड प्लेन में यही खास बात हो जाती है कि जो बॉक्स प्लेन सरफेस पे रखा होता है ना, वो भी क्या होने लगता है? मूव होने लगता है। किसके कारण मूव होता है? वो अपने वेट के कारण मूव, उसको कहते हैं सेल्फ वेट। तो अपने वेट के कारण वो मूव होने लगता है। तो क्या ये ब्लॉक अपने वेट के कारण मूव होगा? हाँ होगा, लेकिन ये ब्लॉक क्या मूव हो रहा है एक्चुअल में, ये देखना पड़ेगा। अच्छा अब देखो, अगर आप यहां ध्यान से देखो तो इस पूरे सिस्टम में हमारे पास दो ब्लॉक हैं। एक ब्लॉक हो गया ये वाला और दूसरा हो गया ये वाला। इस ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है वो 30 newton का नीचे की तरफ है और इस ब्लॉक पे 20 newton का नीचे की तरफ। तो कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? 30 newton। इसका मतलब अगर हम देखें तो ये पूरा सिस्टम क्या इधर की तरफ मूव करने लगेगा? यस सर, इधर की तरफ मूव करने लगेगा। हाँ, जब ये सिस्टम इधर की तरफ मूव करने लगेगा तो इस बॉक्स पे जो फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शन किधर की तरफ लगेगा? इसके मोशन का अपोज करेगा, मतलब इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? क्या इधर की तरफ लगेगा? यस सर, इधर की तरफ। ये सब ध्यान देना है आपको, इधर फ्रिक्शन लगेगा, लगेगा कि नहीं बताओ, ताकि वो ब्लॉक को रोक सके। अब यही फ्रिक्शन हम बढ़ा देते, सॉरी अब हम यहाँ फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। भैया फ्रिक्शन कितना होगा जो कि इस पे लगेगा, तो पता हो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा? तो आप कहोगे मैक्सिमम फ्रिक्शन हो जाएगा सर μ × NA। होगा कि नहीं बोलो? यस सर। म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.2 दिया हुआ है। और NA कितना होगा? नॉर्मल रिएक्शन देखो तो नॉर्मल रिएक्शन ये वाला होगा क्या? ये वाला? यस सर। कितना? 50 cos 37। फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितने न्यूटन का? 8 newton का मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है भाई, जो कि कंडीशन दी हुई है उसके हिसाब से 8 newton ये, 20 newton ये, तो टोटल मिलके इधर कितना लग रहा है? 28 newton। और इधर अकेले कितना लग रहा है? 30। तो क्या ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। तो यही तो मैंने कहा आपको, यही सीखना है बच्चा। आपने ना, आपने क्या किया होगा, नॉर्मल रिएक्शन को 50 कर दिया, 50 × 0.2 हो गया 10 और 20, ये 20 10 30 मिलके 30 वो खत्म हो गया, मतलब मूव नहीं करेगा। आपने यही किया ना, या कुछ और किया? नो सर। तो इसलिए मूव नहीं कर रहा था। अब मूव कर रहा कि नहीं कर रहा ये बताओ, कर रहा है ना? अब देखो अगर मूव कर रहा है तो इसका एक्सेलेरेशन निकाल लो भाई। चलो देखो अब किधर की तरफ मूव करेगा? डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड मूव करेगा तो एक्सेलेरेशन इधर ये, और ये ऊपर की तरफ जाएगा तो एक्सेलेरेशन ऊपर। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन, दोनों जगह लगा लो। अब यहाँ देखो बी ब्लॉक को अगर हम ध्यान से देखें तो बी ब्लॉक पे नेट फोर्स किधर की तरफ लग रहा है? ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ? जिधर एक्सेलेरेशन उधर नेट फोर्स। तो बताओ बी ब्लॉक पे एक्सेलेरेशन किधर की तरफ है? ऊपर की तरफ। इसका मतलब नेट फोर्स में टी बड़ा कि 20? टी। तो यहाँ लिखोगे T − 20 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन इंटू ए, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट।
दूसरा देखो, इस वाले पे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगा लो, इस वाले पे सेकंड पे, तो सेकंड पे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन देखें, तो इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है भाई, इस पे तीन फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन सा भाई, देखो एक 30 न्यूटन लग रहा है, एक टी लग रहा है, एक एफ लग रहा है, तो 30 न्यूटन खींचेगा किसको, टी और एफ को, मतलब 30 न्यूटन बड़ा होगा, 30 माइनस टी माइनस एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। कोई दिक्कत? नो सर। यही होगा। जल्दी करो, एक और देंगे इस पे, कंफ्यूजन है आपको, दोनों को क्या करें हम लोग, ऐड कर दें, ऐड करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे, तो यहां बचेगा 30 माइनस 20 वो हो गया 10 माइनस एफ इज इक्वल टू 5 2 7 7 8, एफ की वैल्यू कितनी आई है 8, तो 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 7 ए, मुझे लगता है ए आएगा आपका 2/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आया समझ में कि नहीं आया, बोलो भाई। यस सर आया। ठीक है, अगर यहाँ फ्रिक्शन नहीं होता तो F नहीं लगता, तो ये सीधा सीधा आप 30 है 20 है 30 माइनस 20 हो गया 10 इज इक्वल टू जितना सिस्टम पे मास है 5 + 2 = 7, तो 10 इज इक्वल टू 7 a, a इज इक्वल टू 10/7 हो जाता एक्सेलरेशन उसका। लेकिन सिस्टम पे क्या लग रहा है यहाँ पे, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, तो उसको दिमाग में रखना है। अगर ये समझ में आया तो अगला क्वेश्चन बनाओ, एकदम इसी पे है, इसी पे बेस्ड है, फिर उसके बाद दोनों ब्लॉक को इंक्लाइन पे कर देंगे, फिर उसके बाद आपको एक क्वेश्चन जो है आईआईटी का करा देंगे। ठीक है, देखो इधर देखो, पूछा गया एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है, मतलब एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जो पिछला वाला मैंने कराया है उसी पे मैंने दूसरा क्वेश्चन आपको दे दिया, आप घबराना मत, इसको आराम से, चूंकि मैंने आपको इसलिए, मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आप इसे सीख सको, ठीक है, इसलिए मैं आपको ये दे रहा हूं, ठीक, और मेरा देने का कोई पर्पस नहीं है, मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आप इसे सीख जाओ, इस कंसेप्ट को कि कैसे हम इसके प्रॉब्लम्स बनाते हैं। ठीक है, ये एंगल हो गया 53, एंगल चेंज कर दिया मैंने, 53 हो गया, ठीक है, ये ब्लॉक हो गया आपका 6 kg का, ठीक है, और ये ब्लॉक हो गया आपका 4 kg का, ठीक है, और यहाँ दोनों के बीच जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इन दोनों ब्लॉक में, उनके बीच जो फ्रिक्शन कोफिशियंट है, यहाँ फ्रिक्शन कोफिशियंट मान लो कि म्यू इज इक्वल टू 0.25 है, ठीक है, कितना है 0.25, ठीक है, पुली मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, स्ट्रिंग मासलेस है, सारी कंडीशन लिख लो आप, ठीक है, इस वाले का सेल्फ वेट 60, टेंशन, इसका सेल्फ वेट हो जाएगा 40, इसका नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल लगेगा इस पे, यस सर लगेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ठीक है, इसका जो ये सेल्फ वेट है वो कंपोनेंट पे ब्रेक होगा, यस सर ब्रेक होगा, क्यों, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, सेल्फ वेट ना तो परपेंडिकुलर है ना तो पैरेलल है प्लेन के, इसलिए सेल्फ वेट को तोड़ेंगे, सेल्फ वेट को तोड़ दो तो तोड़ने में ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा सेल्फ वेट का 40 cos 53 और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 40 sin 53, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आ गया सर, तो बताया क्यों नहीं फिर, 3 आ रहे हैं, 3 एक्सेलरेशन, यस सर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखते हैं बच्चे 40 sin 53 मतलब कितना हो गया भाई, 40 sin 53 मतलब
53 मतलब 4/5, 5/40, 8 × 32, तो ये हो जाएगा 32 न्यूटन। कितना न्यूटन? 32। ओके अब ये हो गया 32। अच्छा भैया फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया मैक्सिमम? भाई मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स हो गया म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू कितना है भाई? 0.25। नॉर्मल रिएक्शन कितना है? 40 cos 53 cos 53, 3/5, 8 × 32, सॉरी 5/40, 8 × 3 = 24, मतलब ये हो जाएगा 24। तो 13 कितना है? 13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? यस सर। बड़ा एक्सेलरेशन है रे, मुझे तो कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रहा बेटा 13। मुझे तो कहीं से कहीं दिखाई नहीं दे रहा 13। कैसे निकाल दिया तुमने 13? सर 2.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखता हूं इसको मल्टीप्लाई करो पहले, 25 × 100, 25 × 50 और 50 और 100, तो ये हो जाएगा 600। 600 मतलब 6 न्यूटन। क्या ये 6 न्यूटन आ गया फ्रिक्शन फोर्स? अब यहाँ ध्यान से देखो मैम, बच्चा समझ नहीं रहा हो तुम लोग, मुझे लग रहा है कि समझो इसको। अब यहाँ देखो, पहले तो दोनों बॉक्स पे जो सेल्फ वेट है वो देखो, और किसी को देखो ही मत, डिसाइड तो करो पहले कि हमें चलना किधर है भाई। पहले डिसाइड तो करो कि हमें चलना किधर है, डिसाइड कर ही नहीं रहे हो, और अपने आप जो है ना अगर इक्वेशन बना के सॉल्व करना शुरू करोगे तो मुझे नहीं लगता कि कभी जिंदगी में सीख पाओगे। पहले डिसाइड करो कि हमें करना क्या है। पहला सबसे काम है सबका फ्री विल डायग्राम बना लो, जैसा हमने बनाया बना लो। अब ये कम से कम कुछ नहीं तो इस पे पिछले 4-5 लेक्चर से यही चल रहा है, और 4-5 लेक्चर से यही चल रहा है फ्री विल डायग्राम, फ्री विल डायग्राम, फ्री विल डायग्राम। यार ये तो आपके दिमाग में गूंजना चाहिए फ्री विल डायग्राम, इसीलिए मैं आप उस तरीके से नहीं बता रहा हूँ जैसे पहले मैंने बताया था कि ड्रॉ द बॉडी, सेल्फ वेट, एक्सटर्नल फोर्स, रिएक्शन, ये वो। अब मैं समझ चुका हूं कि आप ये समझ रहे हो, तो आप देखो डिसाइड तो करो पहले कि ये ब्लॉक जाएगा कि नहीं जाएगा, या सिस्टम मूव करेगा कि नहीं करेगा। करेगा सर। अब देखो करेगा कैसे करेगा, ये यही देखना है ताकि मैं आपको दिखा सकूं अगला जो प्रॉब्लम या एक और प्रॉब्लम मैं दूंगा आपको उसमें मैं बता सकूं कि आईआईटी में कैसा क्वेश्चन दिया हुआ था। पहले ये डिसाइड करो, कैसे डिसाइड करोगे भाई? दोनों बॉक्स पे जो उसके वेट के कारण फोर्स है वो देखो। अब इस बॉक्स पे इसके वेट के कारण फोर्स कितना है बताओ? 60 है कि नहीं बोलो? ये 6 kg बॉक्स पे कितना फोर्स लग रहा है उसका वेट का? 60। इस वाले बॉक्स पे उसके वेट का कितना फोर्स है? 32। अरे यही तो है। यस सर। ये 32 है या 60 है, कौन बड़ा? 60। किधर जाएगी बॉक्स? नीचे जाएगी। नीचे जाएगा मतलब ये वाला नीचे की तरफ आएगा और ये वाला ऊपर की तरफ स्लाइड होगा। यस सर। और जब ये ऊपर की तरफ स्लाइड होगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे की तरफ। मोशन के अपोजिट, पीछे की तरफ, मतलब इस बॉक्स पे फ्रिक्शन हो जाएगा इधर की तरफ। ध्यान से देखो तो आपको दिखाई देगा कि फ्रिक्शन इधर लग रहा है भैया, ये कि नहीं? अरे यार, अरे होगा कि नहीं होगा? यस सर। मेरे भैया फ्रिक्शन इधर लगेगा। यस लगेगा सर, ये लगा दिया फ्रिक्शन, लो भैया लग गया फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन हो गया, ये इसका सेल्फ वेट हो गया। अब देखो 60 को ये 32 है और फ्रिक्शन देखो कितना लग रहा है, 6 न्यूटन, मतलब 32 और 6 कितना हो गया मिलके 38 हो गया। ये दोनों मिलके 38 हो गए, तब भी क्या 60 से कम है या ज्यादा है? कम है। कम है, इसका मतलब अभी भी ब्लॉक मूव करेगा। करेगा तो अभी भी ब्लॉक किधर मूव करेगा? उधर ही, जिधर कर रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन के पास अपनी ताकत नहीं होती कि वो किसी को खींच ले अपनी तरफ। वो रोक सकता है, खींच नहीं सकता। नहीं सकता है। ऐसा थोड़ी ना है कि आप स्कूटर चला रहे हो और आपने ब्रेक लगाया, और ब्रेक लगाने पे फ्रिक्शन तो लगता है ना टायर में,
और पता चला कि आपकी आपकी स्कूटी पीछे की तरफ चले लेंगे तो कितना मजा आएगा, ब्रेक ही लगा के रखो साले को। तो फ्रिक्शन रोक सकता है, खींच नहीं सकता, किसी को पुल अपनी तरफ नहीं कर सकता, रोक सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ आ जाओ। तो भैया ये बताओ, इसका इसका फ्रीवर्ल डायग्राम आपने देख लिया, इसका देख लिया, अब इस पे नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन कर लो, इस पे नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन कर लो, काम खत्म। तो इस पे नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन करो, कितना आ जाएगा बताओ, 60 बड़ा, तो 60 माइनस टी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन मान लो ए है, इसका भी ए है, ठीक है। तो 60 माइनस टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इसका 6 है, एक्सेलरेशन इसका ए है, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। इस पे आ जाओ, इस पे एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, तो कौन खींच रहा है इस ब्लॉक्स को, बॉक्स को? टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स खींच रहा है, तो टेंशन फोर्स बड़ा होगा इन दोनों से, तो टेंशन फोर्स माइनस 32 माइनस एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इसका 4 है, एक्सेलरेशन ए है, इक्वेशन सेकंड हो गया, इन दोनों को ऐड कर, क्या कर दो इन दोनों को, ऐड, ऐड किया हमने, देखो ऐड किया तो ये टी ए टी को खा गया, कितना बचा 60 माइनस 32 ये हो गया 28, 28 माइनस एफ, तो 28 माइनस एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सॉरी टोटल टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये हो गया 10 ए, एफ कितना आपका है 6, तो 28 माइनस 6 इज इक्वल टू 10 ए, तो ए इज इक्वल टू आ गया 22 अपॉन 10, तो बराबर हो जाएगा 2.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किसी का आंसर ये नहीं था सर, मेरा सबट्रैक्शन में रॉन्ग हो गया था, 2.8 बताए थे, यस सर मेरा सबट्रैक्शन में रॉन्ग हो गया था, तो फ्रिक्शन क्यों नहीं बताए, वो नहीं लगेगा क्या, यस सर लगेगा, फिर सर मैंने प्रोसेस सही किया था, मतलब मैंने प्रोसेस आपका सही था, लेकिन ये फ्रिक्शन छोड़ोगे तो भाई प्रोसेस पे नंबर थोड़ी ना मिलेगा ऑब्जेक्टिव में यार, सर मैंने उसको लिया था लेकिन मैंने क्या किया ना, मैंने 60 माइनस उसको ऐड ही नहीं किया एंड में, अच्छा ऐड नहीं किया था, यस मैं उसको लिखा था लेकिन भूल गया उसके, कहने का मतलब है आप थोड़ा सा केयरफुल होके ना, ठीक है, अगला दे आप बन जाएगा सबसे, yes, मैंने sir. क्या, अच्छा ये बताओ पिछले वाले क्वेश्चन से क्या इसमें डिफरेंट कर दिया मैंने, कुछ भी नहीं किया, तो सिर्फ मास इधर बढ़ा दिया, सिस्टम को इधर मूव करा दिया और कुछ नहीं करा, अब हो जाएगा, बोलो भाई, यस सर, अगला दे हो जाएगा पक्का यार, कुछ भी नहीं है मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे मित्र, कुछ भी नहीं है इसमें, क्या डिसाइड करना है बताओ, याद करो इसको, क्या डिसाइड करना है कि सिस्टम किधर मूव करेगा, मूव कराने वाला कौन, सेल्फ वेट, दोनों का सेल्फ वेट, इंक्लाइन प्लेन पे अगर कोई बॉडी है तो क्या उसका सेल्फ वेट उस बॉडी को मूव कराता है, यस कराता है, टेबल पे ऐसे कोई बॉडी रखी हो, कोई बॉक्स रखा हो, कभी जिंदगी में मूव नहीं करेगा, लेकिन अगर टेबल को ऐसे करते चलो तो वह बॉक्स अपने आप मूव करने लगेगा, करेगा कि नहीं बताओ, किसके कारण से कर रहा है, वो कर रहा है क्योंकि उस बॉक्स का एक, उस बॉक्स के वेट का अपना एक कंपोनेंट प्लेन की अलोंग है जो कि उसको मूव करा रहा है, यहां यही वाला है, ये देख ये वाला मूव करा रहा है, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं है कि इसको मूव करा सके, इसलिए ये चूंकि ज्यादा बड़ा है इससे, इसलिए सिस्टम इधर मूव कर रहा है, समझ, और उसके बाद फ्रिक्शन की चलाकी, फ्रिक्शन की चलाकी, वो देखता रहता है कि अरे यार सिस्टम किधर मूव कर रहा है, अरे सिस्टम तो ऊपर जा रहा है, अच्छा मुझे नीचे लगना चाहिए, पिछले वाले क्वेश्चन में देखो, अरे सिस्टम तो नीचे जा रहा है तो मुझे ऊपर लगना चाहिए, होता है कि नहीं होता है बताओ, यही है, आप पहले डिसाइड करो कि ये सिस्टम जा किधर रहा है, फिर फ्रिक्शन लगता है, और उतना ही लगता है जितने की जरूरत है, अगर मान लो मैक्सिमम से भी काम नहीं चल रहा है तो भैया तो ठीक है, फिर तो वो गिव अप कर देगा ना,
अगला देखो चले प्रैक्टिस कराऊंगा फिर से सेम क्वेश्चन कुछ नहीं दे रहा हूं मैं इसको बना के दिखाओ मुझे कटवाने से काम नहीं चलने वाला है आप मैं दे रहा हूँ आप रट रहे हो समझ लो मास इसका है 6 kg इसका मास है टू के जी ठीक है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे है 0.3 ये है आपका 37 ही ले लो 37 बताओ एक्सेलेरेशन क्या होगा और फ्रिक्शन क्या होगा सॉरी एक्सेलेरेशन क्या होगा सिस्टम का और टेंशन एक्सेलेरेशन निकालो टेंशन निकालो फटाफट करो सिस्टम किधर मूव करेगा ऊपर या नीचे नीचे मतलब नीचे तो दोनों तरफ पे ये सिस्टम मतलब ये वाला ब्लॉक ए मान लो इसे ये ब्लॉक ए मान लो वो वाला ऊपर करेगा ब्लॉक ए ऊपर जाएगा यस सर फ्रिक्शन 14.4 न्यूटन है और जो जो वेट लटक रहा है उसका 20 न्यूटन होगा मेरे ख्याल से ब्लॉक ए किधर जाएगा ये बताओ ब्लॉक के ऊपर ऊपर जा रहा है आप बताओ बच्चे ब्लॉक ऊपर नहीं जा रहा ब्लॉक ए नीचे जा रहा है ये तो नीचे जा रहा है यस सर 60 का ये वाला कंपोनेंट 60 sin 37 हो जाएगा ना साइन 37 मतलब 3/5 5 12 25 60 12 3 36 तो यहाँ 36 लग रहा है यहाँ 20 लग रहा है तो ये नीचे जाएगा भाई यस सर डिसाइड करो यार अब तेज चलना चाहिए यार तुम लोगों का मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि पहले आप डिसाइड करो दोनों के सेल्फ वेट से कि कौन किधर जा रहा है तभी तो फ्रिक्शन डिसाइड करोगे मेरे बच्चे मेरे लाल मेरे पीले मेरे नीले सर एक्सेलरेशन 4.75 एक्सेलरेशन 4.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बहुत ज्यादा हो जाएगा बच्चा फ्रिक्शन भी वो लग रहा है उस पे कॉस 37 60 कॉस 37 मतलब 4/5 12 25 60 12 4 48 अबे 48.3 से मल्टीप्लाई करोगे 4 3 12 8 3 24 मतलब हो जाएगा 14.4 और ये 14.4 अरे यार कैसे भाई गलत है मास टोटल हो जाएगा 6 2 8 अबे गलत है 4.7 तो बहुत हो गया यार गलत है फ्रिक्शन इधर लगा दिया क्या दोनों एक साइड में खींचने के लिए मुझे लग रहा है सही किया इसने ऐसा हाँ यही किया होगा इधर ही फ्रिक्शन लगा दिया तो दोनों को जोड़ दिया और 20 को माइनस कर दिया हाँ यही किया होगा 14.4 और ये 16 14 और 16 कितना हो गया 30 8 3 24 8 4 32 हाँ यही किया होगा पक्का एक्सक्यूज मी सर एक्सेलरेशन कितना आया सर 0.2 है शायद हाँ यही आएगा मीटर पर 0.2 समथिंग आएगा नहीं 1.6 by 8 देखते हैं देखते हैं 1.6 by 8 अच्छा 1.6 by 8 ओके हाँ ये सही है ये सही है 1.6 by 8 1.6 by 8 मतलब ये हो जाएगा 0.2 ना yes. तो सीधा सीधा बोलना बच्चे 0.2 बोला तो तुमने सही तो था yes, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देखो सीखो इधर देखो
देखो इधर से इसका फ्री वर्ड डायग्राम बना लो, देखो इधर इसका फ्री वर्ड डायग्राम बनाओ, इसका ये हो जाएगा 20 होगा, इधर टेंशन, इधर टेंशन, इधर ये हो जाएगा आपका 60, इधर हो जाएगा नॉर्मल। अरे हाँ ना बोलो भैया, अपने आप बोलते रहो। हाँ यार सही कर रहा है ये तो, ठीक है तुमको भी ऐसे ही करना है, अपने पीठ पे हाथ रखो और बोलो कि नहीं बेटा ऐसा है, तुम भी कर सकते हो तो करो ना भैया, कौन मना कर रहा है तुम्हें, करो। तो ये 60 का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 60 cos 37 मतलब 4/5। अब देखो मैं वो भी काट रहा हूँ cos 37 को भी, 48 अब मैं वो भी काट रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं आपको, वो सब लिखता रहूंगा तो हो गया काम हमारा। 5 12 50 60 12 44 तो ये हो जाएगा 48, कितना 48। अच्छा भाई इधर देखो, इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 60 sin 37 तो 60 × sin 37 3/5 5 12 60 12 36 36 न्यूटन नीचे की तरफ। अरे हाँ ना बोल, 36 नीचे की तरफ, तो देखो भैया 36 नीचे हो गया। आप बताओ 20 ज्यादा की 36 मैं यही बार बार करूंगा और आप यही बार बार देखो और फिर मैं अब ना मैं फिर मैं आईआईटी की प्रॉब्लम दिखाऊंगा आपको, आपको लगेगा यार ये तो यही था। देखो इधर 36 बड़ा कि 20, 36 कौन किसको खींचेगा, ए ब्लॉक ये 36 20 को खींचेगा कि नहीं खींचेगा बताओ। यस ऊपर की तरफ, यस 20 ऊपर जाएगा और 36 नीचे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बोलो। यस इसका मतलब अब कौन आएगा, अभी अभी फ्रिक्शन क्या कर रहा था, फ्रिक्शन देख रहा था कि मैं किधर लगू, मैं किधर लगू, मैं किधर लगू, अब फ्रिक्शन डिसाइड कर लिया कि मैं किधर लगूंगा, कर लिया कि नहीं बताओ। यस सर। अब किधर लगेगा, ऊपर ऊपर की तरफ, इधर फ्रिक्शन लग जाएगा। वो बहुत चालाक एजेंट है, मैंने पहले ही दिन पहला वर्ड बोला था कि फ्रिक्शन क्या है, बहुत चालाक एजेंट है, उस एजेंट को आप याद रखो, बहुत चालाक है, बड़ा परेशान करता है, लेकिन जिसको समझ में आ गया उसको कभी नहीं परेशान कर सकता। पॉलिटिशियन बन जाओ तो कहां परेशान कर देगा, वो भी पॉलिटिशियन, वो देख रहा है कि अच्छा बॉडी मूव किधर कर रही है, हमको अपोजिट में बैठना है, बैठ लिया। यस ठीक है बैठ लिया। तो बस अब ये फ्रिक्शन लग, अब बताओ फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है भाई, 14। अब डिसाइड होगा कि पूरा सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक फ्रिक्शन लगने के बाद। तो देखो मैक्सिमम कितना होगा, अच्छा टेंशन एंसन का रोल, टेंशन का इसके वर्कडन में या डिस्प्लेसमेंट में कोई रोल है कि नहीं है, नहीं है क्योंकि वर्क डन क्या होता है टेंशन के कारण, जीरो, इसीलिए हम डिसाइड कर पा रहे हैं, नहीं तो टेंशन होता तो हम डिसाइड नहीं कर पाते। अगर टेंशन का भी रोल होता तो हम डिसाइड नहीं कर पाते कि चलेगा कि नहीं चलेगा भैया, ठीक है ओके। तो देखो मैक्सिमम कितना हो गया भाई, मैक्सिमम हो गया कितना, ये हो जाएगा म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, बताओ नॉर्मल रिएक्शन कौन सा होगा, क्या ये इस लाइन पे नॉर्मल रिएक्शन है, हाँ सर इस लाइन पे नॉर्मल रिएक्शन है, ये वाला नॉर्मल रिएक्शन है, देख लो है कि नहीं बोलो, ये है तो देखो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा 48। यस तो 0.3 × 48 मतलब 3 × 4.8 तो 3/24 4 हाथ में 2 × 3 = 12 2 × 14 14.4 न्यूटन, ये हो गया मैक्सिमम फ्रिक्शन, ठीक जो कि इस पे अप्लाई होगा किधर की तरफ, पीछे की तरफ। अच्छा देखो अब ये 14.4 को भी ऐड कर लो किसमें, 20 में 14.4 को भी ऐड कर लो किसमें, 20 में, क्यों, क्योंकि 20 और ये F दोनों मिलके इस 36 को रोकेंगे। यस सर ठीक है, इस 36 को ये F और 20 दोनों मिलके रोकेंगे, तो क्या दोनों मिलके इसको रोक पा रहे, गठबंधन हो गया इनका,
क्या हो गया? गठबंधन। अब गठबंधन क्या, गठबंधन भी इसको रोक पा रहा है कि नहीं रोक पा रहा है? नो सर, नहीं रोक पा रहा, अभी भी जीत उसी की है। तो क्या एक्सेलेरेशन होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा। एक्सेलेरेशन किधर होगा? इधर डाउनवर्ड प्लेन के डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन ए, और ये किधर जाएगा? ये से ऊपर। ठीक है, तो अब नेट फोर्स दोनों जगह लिख लो। यहाँ नेट फोर्स लिख लो, इस वाले पे, इस सिस्टम पे कौन बड़ा है? टी। तो अब लिखो टी माइनस 20 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन 2 इनटू ए। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। यस सर। ठीक है, अच्छा अब इस पे आ जाओ। 36 माइनस एफ माइनस टी इज इक्वल टू 6a। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। यस। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब ये देखो ये टी इस टी को मार देगा। यस सर। तो 36 माइनस 20 कितना हो गया? 16 माइनस एफ इज इक्वल टू 8a। एफ की वैल्यू कितनी है बोलो? 14.4 16 माइनस 14.4 इज इक्वल टू 8a। a की वैल्यू आ गई 16 में से 14.4 घटाओगे तो 1.6, तो 1.6 डिवाइडेड बाय 8, तो ये हो गया 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द राइट आंसर। ठीक है, यस सर। एचसी वर्मा के वन से लेके फ्रिक्शन वाले पार्ट का, किसका? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन वाले। हाँ, वन से लेके 14, 15 तक बना लो आप। वन से कहाँ तक? 15 तक फ्रिक्शन वाले पार्ट का बनाओ आज आके। थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपको समझ में आएगा वहां से। थोड़ा बहुत क्या मतलब, बनाओगे आप तो चौथा पांचवा क्वेश्चन ही आईआईटी में पूछा गया था अभी। कौन सा क्वेश्चन? चौथा पांच। जब आप पांचवा बनाओ, पांचवा छठे पे पहुंचोगे ना, तो जो है चौथा या पांचवा क्वेश्चन है जो कि आईआईटी में पूछा गया था 2019 में। ठीक। यस सर। कॉन्सेप्ट बनाने के लिए इससे बढ़िया बुक नहीं है। इतने नंबर सब प्रॉब्लम दिए हैं कि आप एक बार दो बार तीन बार बना लोगे ना, तो कॉन्सेप्ट इसका अपने आप दिमाग में बैठ जाता है यार, और है कुछ नहीं।